चुप हो जाइए, फिर मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। बहू रानी, तेरे सास ये बोली, पहले बर्तन मांज झाड़ू लगा, मैंने मना कर दिया इस बात पर। क्या ससुर जी, मेरी सास की इतनी हिम्मत, और आपको मैंने कितनी बार कहा था कि आप छुट्टी मत लीजिए, आपको आराम करना है ना तो आप थाने में आकर कर लेते, अब होगी ना पिटाई। आप एक मिनट रुको। हेलो सासू माँ, जरा नाके पे आइए। अरे वो जो पुलिया है ना, हाँ हाँ, वो पार करके जो नाका लगा हुआ है, हाँ जल्दी आना। बहू रानी, मुझे किस लिए बुलाया यहाँ पे? आपको नहीं पता कि मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है? सासू माँ, ससुर जी पे हाथ उठाते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई क्या? हाँ बिल्कुल भी नहीं आई। क्यों, मैं तुम दोनों के नौकर लगी हुई हूँ क्या? आप तो आ जाते हैं सुबह ही और घर का काम मैं करूँ। तो सासू माँ, ससुर जी की तबीयत खराब थी, अब तबीयत खराब में व्यक्ति घर पे आराम ही करेगा, काम थोड़ी ना करेगा। काम भी करना पड़ेगा जो घर पे रहेगा, मैं करती हूँ ना पूरा दिन भर काम। देखिए सासू माँ, आप बिना मतलब के ना मेरे ससुर जी को टॉर्चर कर रहे हैं, मैं सब समझती हूँ आपके ये कारनामे। अच्छा समझती हो ना, तो घर का सारा काम करके फिर अपनी ड्यूटी पे आया करो। सासू माँ, सरकारी नौकरी वाली बहू भी आपको चाहिए थी ना, क्या कहा था शादी के वक्त कि हमें तो सरकारी नौकरी वाली बहू चाहिए, घर का काम वाम नहीं करवाएंगे हम, तो बस नौकरी पे जाए और पैसे कमा के लेके आए। माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए, एक पति परमेश्वर पर आपने हाथ उठाया। चुप, मुझे दूसरों की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे? और माँ जी, आप ऑन ड्यूटी एक हवलदार को इस तरीके से नहीं डांट सकती, समझ गए आप भी? इसको किसने बोला बीच में टांग अड़ाने के लिए? चलो इसने जो बोला बोला, आपकी क्या हिम्मत है कि आप इसके लिए ऐसा बोले? बोलूंगी, बोलो क्या कर लोगी? ये भी बोलेगा, ठीक है ना, कानून का पहरेदार है, गलत करोगे तो हम दोनों बोलेंगे, क्या करोगे? अच्छा ये मेरे घर का मैटर है, मैं जो कुछ भी करूँ तुम्हें क्या लेना देना। अच्छा तो आज आपके घर का मैटर हो गया, और रोज जो घर के मैटर यहाँ पे नाके पे लेके आते हो उसका क्या? हाँ तुमने ही बोला था घर के मामले घर पे सुधारा करो। तो कौन से सुलझाया, आपने तो बिगाड़ दिया, बेमतलब में ससुर जी की पिटाई कर दी, वो भी बीमार आदमी ऊपर से। बीमार ना के इसका गोली लगी, थोड़ा सा बुखार ही तो हुआ है, और मैंने इसको थोड़ा सा झाड़ू पोछा करने के लिए बोला, कौन सी आप पठान पड़ी इस पे? अरे मेरी रसभरी, क्यों झूठ बोल रही हो, वो भी पुलिस के सामने। तूने बर्तन धोने ही कहा, मैंने वो भी धो दिए। तूने झाड़ू लगाने की कहा, मैंने वो भी लगा दी। तूने पोंछा लगाने की कही, मैंने पोंछा भी लगा दिया। जब तूने कपड़े धोने की कही, मैंने मना कर दी, तो तूने कपड़े वाली थापी से मेरी धुनाई कर दी। माता जी, ये बिल्कुल गलत बात है, बहुत नाइंसाफी है, खबरदार अगर ऐसी हरकत आगे से की तो। चुप चुप क्या माँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, समझ गए ना? ये क्या, मैं भी बोलूंगी। मेरे पिता समान ससुर जी जिन्हें बुखार चढ़ा हुआ 102 डिग्री, उनसे आप घर बैठे काम करवा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, बर्तन भी धुलवा दिए, चाय भी बनवा दी, और कपड़ों को धोगे तो और बीमार नहीं हो जाएंगे? जब आप बीमार होती हैं तो घर का सारा काम करती हूँ मैं, तब ड्यूटी पे आती हूँ, समझ गए आप? अच्छा इतनी ससुर की तरफदारी आ रही है ना, तो घर पे नौकर रख लो।
कहा था नौकर रखने के लिए, लेकिन आपने क्या कहा था कि पैसों के पेड़ों पे उगते हैं। तो हम दोनों ने क्या कहा था, क्या कहा था कि पैसे हम दे देंगे, पर नहीं, अगर मेरे बिना कुछ एक पैसा भी यहाँ गया ना तो तुम दोनों की खैर नहीं, और आप कह रही है कि नौकर रख लो। हाँ तो सारा काम तो मैं नहीं करूंगी ना, कम पैसों में रख लो। माँ जी देखिए, एक तो आप सुना कोई वैसे ही नहीं जीत सकता, ठीक है, दूसरी हमने ना अपनी ड्यूटी निभानी है, उसमें दखलंदाजी बिल्कुल भी मत कीजिए, और तीसरा ससुर जी बीमार है, अगर अब आपने ससुर जी के साथ कुछ भी गलत किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा मुझे धमकी दे रही है, मेरी बिल्ली और मुझी को म्याऊं, तुम्हें तो मैं घर पे आते ही देख लूंगी, समझी। माँ जी धमकी नहीं दे रही, जो कह रही हूँ ना वो करके दिखाऊंगी, मेरे बाप समान है। अच्छा बाप समान है और सास कुछ भी नहीं, सास गिरो कुएं में जाके कहीं भी। मैडम जी इस बुढ़िया का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ओफो हवलदार, घर का मामला है, कहीं बाहर थोड़ा सुलझाएंगे, घर पे ही सुलझाना पड़ेगा ना। और रही बात समझाने की, मुझसे बड़ी है उम्र में, समझदार है, 36 दिवालिया खा चुकी है, अब मैं ही नहीं समझाऊंगी। ठीक है मैडम जी। अरे ये क्या मामला चल रहा है, जरा हमें भी तो पता चले। अरे जमाई राजा, आज तेरी सास ने मेरी पिटाई कर दी, इसने समझा ले, वो भी कपड़े धोने वाली थापी से। अरे बुढ़िया ये क्या कर दिया तूने, हमारे पूजनीय पिताजी को पीट दिया, ये अच्छी बात नहीं है। चुप, अगर एक शब्द और निकाला ना मुंह से तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करती हूँ, समझा। क्या करती है ये बहुत गलत बात, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर देख लेना आप। चुप। अरे वाह मेरे शेर। और सासु माँ क्या ये आप चुप 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 किए जा रहे हो, गलती आपकी है ये, क्या हम सब आपको इस गलती पे डांटने का हक रखते हैं, समझ गए आप, सजा मिलेगी आपको। अच्छा अब तुम सबके पर निकल आए, लगता है ये पर मुझे काटने पड़ेंगे, समझी। बुढ़िया पर हमारे नहीं तुम्हारे काटने पड़ेंगे। मैडम जी डालो इसको हवलदार में। अरे हवलदार नहीं हवालात होता है मेरे शेर। हाँ वही डैश ऑल राइट। सासु माँ गलती आपकी है और आपको ना ससुर जी से अपनी गलती की माफी मांगनी होगी। माफी मांगे मेरी जूती। बुढ़िया माफी जूती नहीं तू मांगेगी, तू बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। माँ जी माफी तो आपको ही मांगनी पड़ेगी, चलिए ससुर जी से माफी मांगिए। नहीं मांगूंगी नहीं मांगूंगी नहीं मांगूंगी। माँ जी चुपचाप माफी मांगिए। तुम होती कौन हो मुझसे माफी मंगवाने वाली। माँ जी यहाँ पे आपकी बहू नहीं खड़ी, पुलिस ऑफिसर खड़ी है, समझ गई। जिस तरह लेडीजों के लिए कानून होता है ना, जब कोई उन पे अत्याचार करता है तो रिपोर्ट लिखाने आती है, फिर उस पे कार्यवाही की जाती है, उसी तरीके से आदमियों पे भी कोई अत्याचार नहीं कर सकता। अगर औरत अपने पति पे अत्याचार करे ना तो औरत को भी सजा हो सकती है, समझ गए आप। अच्छा तो अब तू मुझे कानून का पाठ पढ़ाएगी। माफी तो मैंने कभी स्कूल में नहीं मांगी अपने मास्टरों से, इस रामपुर से माफी मांगू, मेरा दिमाग खराब नहीं है। माँ जी माफी तो आपको मांगनी ही होगी, वरना आपके खिलाफ ना FIR काटूंगी मैं। काट ले जो तुमसे कटे वो ही, मैं माफी नहीं मांगूंगी, मतलब नहीं मांगूंगी। माँ जी मैं आपको लास्ट बार बड़े प्यार से समझा रही हूँ, ठीक है ना, कि माफी मांगिए ससुर जी से। मैं माफी नहीं मांगूंगी। नहीं मांगेंगी ना? नहीं मांगूंगी। सोच लीजिए, थाने में आपकी FIR काट दी ना आपको तो हवालात में डाल देंगे आपको, फिर मत कहना बहू रानी। मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुमसे जो होता है वो करो, समझी। सासु माँ आपको रत्ती भर भी शर्म नहीं आती क्या ससुर जी की पिटाई करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सास से जबान लड़ाते हुए? मैं क्यों शर्म करूं, गलती तो आपने की है ना। तो तुम कौन सी कम हो इससे, अपने ससुर के सर पे बांधने वाली हो। रहन दो सासु माँ, आपसे ज्यादा ससुर जी की इज्जत मैं करती हूँ, समझ गए। अच्छा तुम तो करोगी, सुबह ही दोनों आ जाते हो और घर पे मैं
सारा दिन नौकरों की तरह काम करती रहती हूँ। देखिए सासू माँ, बात को पलटिए मत, चुपचाप ससुर से माफी मांगिए। मैं नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। आपको ससुर जी से माफी मांगनी होगी। नहीं मांगूंगी मतलब नहीं मांगूंगी। ठीक है तो हवलदार। हाँ जी। इसको है ना हवा लात में डाल और दो दिन तक ना छोड़ियो मत, भूखी प्यासी रखियो, तब पता चलेगा इसे। अभी लो। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे उठाया ना तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी, समझे? ओ माँ जी, ऑन ड्यूटी हवलदार को ना इस तरीके से आप ये धमकी नहीं दे सकते, समझ गए ना? अच्छा, तुम जी में आए वो करो और मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। ठीक है, आप क्या कह रहे हो कि आपकी गलती नहीं है ना, अभी वोटिंग की जाती है, क्यों भाई? मैडम जी, एफआई दर्ज करो इसकी। नहीं, वोटिंग करेंगे। ससुर जी, माफी मांगनी चाहिए या नहीं? हाँ बहू रानी, तू ठीक कह रही है, इसने माफी मांगनी चाहिए। चुप! हवलदार, माफी मांगनी चाहिए या नहीं? मैम जी, माफी तो मांगना इसका हक बनता है। दो वोट हो गए, दो। हाँ भाई, माफी मांगनी चाहिए। चुप! मैं भी कह रही हूँ कि माफी मांगनी चाहिए। अब हम चारों कह रहे हैं ना, तो चुपचाप ससुर जी से माफी मांगनी। चलिए, मैं माफी नहीं मांगूंगी, इससे माफी मांगे मेरी जूती। मेरा नाम भी रसबरी है, घर पे आते ही सबको देख लूंगी, समझी? ससुर जी, ये सासू मैं है ना, इनका तो स्क्रू ढीला नहीं हुआ बल्कि स्क्रू खुल के नीचे गिर गया, ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए और चलिए थाने में बैठ के आराम कीजिए। चलो बहू रानी, जैसा करती हो वैसा ही कर लेते हैं। मैं कहाँ जाऊँ अब, घर में जाऊँगा तो तैयार होगी सासू माँ। देखो क्या बात है सासू माँ, आप इस शराबी को क्यों लेके आई यहाँ पर? ये जवाई राजा रोज रोज शराब पी के नए नए ड्रामे करता है, इसे हवा लात में डाल दो। हवा लात में डाल दो? क्या कहा था मैंने आपको कि लाडो को इतने सिर पे मत चढ़ाओ, इतनी खुली छूट मत दो, बिगड़ जाएगी, अब भुगतो नतीजा। तो मैंने कौन सा उसे सिखाया था कि ये गुल खिलाना? अच्छा, तो फिर मैंने सिखाया था क्या? अरे मैंने आपको बताया तो था कि उसकी हरकतें ना अजीब सी लग रही है। आप इतना लाड़ पार दे रहे हो ना, बिगड़ती जा रही है, मुझसे ऊंची आवाज में बात करती है, अपने भैया से ऊंची आवाज में बात करती है, लेकिन आप तो नहीं, आपको तो बस मेरी लाडली है, तो इससे जलती है। अब लो मजा। अरे बहू, कोई माँ बाप अपने बच्ची बच्चे को बुरी शिक्षा नहीं देता, ये सोचता है कि ये बस पढ़ लिख के कुछ बन जाए, मुझे क्या पता ये मेरी छूट का गलत फायदा उठाएगी। रहन दो माँ जी, आपने तो बुरी शिक्षा नहीं दी, लेकिन आपने कौन सा उसका ध्यान रखा है? और जब मैं कहती हूँ कि सासू माँ एक बार आप बात तो सुनिए ना लाडो के बारे में। चुप बहू, तू तो उससे जलती है, पराए घर की जो है। अब मुझे ताने मारनी है या कोई समस्या का हल करेगी? ताने ना मारू तो क्या करूं, इतनी बड़ी समस्या आपकी वजह से हुई है। हुई है? रुको 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 रुको, अगर आपकी बहस दोनों की स्टार्ट हो गई तो फिर मैं चलूं? अरे तुम कहां चले जवाई राजा, तुम्हारी सही जगह यहीं पे है। सासू माँ, ये घर के जो पर्सनल मसले है ना, ये घर पे हल किए जाते हैं, यहाँ नाके पे नहीं। इधर हो। तो ये वर्दी किस लिए पहनी है? ओफो सासू माँ, अब मैं आपका ही मसला हल करती रहूं क्या? मुझे और भी काम है, समझ गए? आपके ये जो लफड़े हैं ना, इन्हें हल करने के लिए नहीं पहन रखी है वर्दी, लोगों की सेवा करने के लिए पहन रखी है। अच्छा, मैंने तो आज तक किसी की सेवा करते हुए देखा नहीं, जब देखा है मेरे काम में टांग अड़ाते हुए देखा है। लो बलदार, कर लो बात अब। मैडम जी सही कह रहे हैं, और आप मेरी एक बात सुन लो, यहाँ पे आपका पति रामफल नहीं खड़ा, राहुल कुमार हवलदार खड़ा है। अच्छा, तो राहुल कुमार जी मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरा नाम भी रसबरी है, रसबरी, समझे? अगर ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश की ना तो
तो अपना हिसाब किताब लगा लेना। ओ माँ जी क्या कर रहे हो, पुलिस वाले के सामने ही दूसरे पुलिस वाले पे रोब दिखा रहे हो, धमकी दे रहे हो उसे, कम से कम ढंग से तो बात कर लो। और मैंने कौन सी इसको गाली दी है, ढंग से ही तो समझा रही हूँ, वो भी प्यार से। हाँ ये प्यार से है, एक तो आपकी जबान चलती है चपड़ चपड़, दूसरे आपके हाथ, और एक उतना ऊंचा बोलोगी आप धमकी ना तो और क्या प्यार दिखेगा। अगर आपका 2020 मैच शुरू हो गया तो फिर मैं चलूं? जा। अगर यहाँ से हिले ना तो इतना जोर से मारूंगी कान पे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। जब मामला आपने सुलझाना है तो यहाँ पे इसे लेकर आए क्यों? हाँ तुम तो कह रही हो अपना मामला खुद सुलझाओ। माँ जी अभी आपका ना जमाई राजा, जमाई राजा समझ गए, अब तो आपको झेलना ही पड़ेगा। बोलो जुआई की कोई इज्जत ही नहीं है, क्या करें? यहाँ चुपचाप होके खड़ा रहे, समझा? जवाई के भी रहने के तौर तरीके होते हैं घर में, समझी? माँ जी अगर भाग के शादी करेंगे ना तो ऐसे तौर तरीके मिलेंगे, कोई PhD MA किया हुआ जवाई राजा नहीं मिलेगा। हाँ तुम तो कोई मौका मत छोड़ो मुझे ताने कसने का। मैं बॉक्सिंग का चैंपियन हूँ चैंपियन, और आपकी लड़की भी चैंपियन है जुबान की आपकी तरह, इसीलिए तो हम दोनों में प्यार हुआ है, तो फिर मैं चलूं? तुम कहाँ चले जुमाई राजा, तुम्हारा तो सुधार सेंटर यहीं पे है, यहाँ से हिलना मत। और तुम ऐसे तो गुलाबो गुलाबो अपने नाम के झंडे गाड़ती रहती है, अब क्या हो गया, इसे सुधारो तो जानू। माँ जी किस किस को सुधारूं, इसको सुधारूं या आपको सुधारूं? लाड प्यार से बिगाड़ो आप और भुगतूं मैं, मेरे बस की नहीं है ये सब। हाँ तुम्हारे बस की बात नहीं है तो किसके बस की बात है? मैडम जी अगर आप कहो तो डालू इसको हवालात में। ओफो हवलदार, अगर ये करना होता तो ये मैं पहले ना कर देती, सिर्फ हवालात में डाल देने से कोई मुजलिम नहीं सुधर जाता। और रही बात इसने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया, लव मैरिज ही तो की है, हमें कानून के अनुसार चलना होगा। यही तो, मैंने कौन सा जुल्म किया है तो फिर मैं चलूं? चुप, मैं तेरा पक्ष नहीं ले रही, समझा? अरे मैडम जी मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, एक शादी तो की है ना। अच्छा शादी की है, तूने तो लव मैरिज की है ना, तेरा सबसे पहला गुनाह। अगर तुझे शादी करनी थी ना तो लड़की वालों के घर जाता, उसके माँ बाप से ना लड़की का हाथ मांगता। और दूसरी बात क्या कहता है कि मैं लड़की से प्यार करता हूँ, अगर लड़की से प्यार करता ना तो उसकी इज्जत और उसके माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता, लेकिन नहीं तूने तो भाग की शादी की है ना, तुझे तो बस अपनी पड़ी थी। रही तीसरी बात, तू तो शराब पीता है और शराब पीकर तू तो लड़की वालों के घर पे रह रहे घर जमाई बनकर, और ऊपर से तू तो उन्हीं घर वालों के साथ कलेश कर रहा है, रोज लड़ाई करता है, नाक में दम कर रखा है तूने इनके। मैडम जी सॉरी आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी, आप मुझे बस एक मौका और दो सुधरने का। ठीक है मैं तेरे कहने पे तुझे एक मौका दे रही हूँ, पर आगे से गलती नहीं होनी चाहिए, समझाना? अच्छा इस बेवड़े को एक और मौका दे रही है सुधरने का, सास तो कुछ भी नहीं है, सास पड़े कुएं में। अरे सासू माँ उसने एक मौका मांगा है सुधरने का, दे देते हैं, क्या पता सुधर ही जाए, और अगर ना सुधरा ना तो अगली बार तो इसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सीधा हवालात में डालूंगी इसे मैं। ना ना ये तेरे बस की बात नहीं है, इसे तो मैं ही सुधारूंगी, और तुम घर पे आना तुझे तो मैं देख लूंगी, चल तुझे तो मैं ही सुधारूंगी। भाई हवलदार। जी मैम। दुनिया में हर चीज से जीता जा सकता है, लेकिन ये जो सास नाम की चीज है ना इससे कभी नहीं जीत सकते। हवालदारनी जी राम राम। राम राम।
हवलदारनी जी, आपकी बहू रानी ने ना मेरा माल पकड़ लिया, इसीलिए मैं आया हूँ आपके पास, मेरा माल छुड़वा दो। अच्छा, तो तुम्हारा माल मेरी बहू रानी ने पकड़ लिया? हाँ जी हाँ जी। ये कौन सी बड़ी बात है सेठ जी, ये तो मेरी चुटकी का काम है। चलो अभी चलती हूँ, छुड़ा देती हूँ तुम्हारा माल। आओ जी जल्दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेठ करोड़ी मल का माल जप्त करने की? आपको पता भी है माँ जी कि आप बोल क्या रही हैं? सही बोल रही हूँ, सेठ ने मुझे सब बता दिया। अच्छा, तो सेठ ने आपको सब बता दिया, ये नहीं बताया कि इनका माल जो मैंने पकड़ा है वो कानूनी रूप से अवैध है? राम राम। मैडम जी, माल तो माल ही होता है, वैध क्या और अवैध क्या। सेठ करोड़ी मल, अब तू मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ए बहुरानी, इन सब का तो मुझे पता नहीं, बस तुम हमारे सेठ करोड़ी मल का माल वापस कर दो। देखिए माँ जी, ये सास बहू वाला ड्रामा है ना, आप घर पे करना। यहाँ पे मैं आपकी बहुरानी नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, समझ गए? और जो हमारा ये कानून का काम है ना, इसके बीच में आप अपनी टांग तो मत अड़ाइए। अच्छा, अब मुझे बताएगी किस चीज में टांग अड़ानी है और किस में नहीं अड़ानी? देखिए माँ जी, आपको कानून का कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है ना? सेठ करोड़ी माल, जो मैंने तुझे कह दिया था कि तेरा माल मैं नहीं छोड़ूंगी, तो खाम खाम में माँ जी को क्यों लेके आए यहाँ पे? राम राम। इसने अपनी टांग अड़ाने की पुरानी आदत है बीच में। तुम तो चुप रहो रामपाल। देखिए माँ जी, मैं आपसे बड़े प्यार से बात कर रही हूँ, और एक ऑन ड्यूटी हवलदार को ना आप इस तरीके से, और वो भी मेरे सामने, तो कतई नहीं डांट सकती। मैंने भी प्यार से बोल दिया कि मेरे सेठ का माल वापिस कर दो। नहीं करूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं करती। ये हमारा पुराना सेट है, समझी? देखिए माँ जी, ये सेट नया हो या पुराना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। सुनो बहुरानी, जो तुम दोनों ससुर बहू पेट भर भर के खाते हो ना, वो इसी सेट की दुकान से आता है, समझी? तो माँ जी, कौन सा मुफ्त में खाते हैं, पैसे देते हैं पैसे? समझ गई। तुम तो चुप रहो रामफल, तुम तो मेरी आंखों में ऐसे खटकते हो जैसे चूहा बिल्ली की आंखों में खटकता है, समझे? यही तो मैं कह रहा हूँ रामफल जी, ऐसे नहीं मानेगी ये बुढ़िया। फिर से आ गया दिमाग चाटने के लिए। कितनी बार कहा है मुझे बुढ़िया मत बोला कर। मैंने भी तो कितनी बार कहा है राम फल को राम फल मत बोला कर, राम फल जी बोला कर बुढ़िया। फिर से बुढ़िया। ए, क्या कर रहे हो ये सब, मेरे आंखों के सामने से मारे जा रही हो, मारे जा रही हो। पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है क्या आपको? अच्छा, तुम्हें कोई बुढ़िया बुढ़िया बोलेगा तो तुम नहीं चिढ़ोगी क्या? माँ जी, अब आपकी उम्र हो चली है, समझ गए ना आप, बोल भी दिए तो क्या हो गया, आपसे तो छोटा ही है। अच्छा, मुझे नजर के चश्मे क्या लग गए, मैं इनको बूढ़ी नजर आने लगी। देखो अपने आप को, पता नहीं क्या समझते हैं। वाह, और क्या तुम्हें हूर की परी बोले क्या बुढ़िया? फिर से बुढ़िया। कितनी बार बोला है बेवड़े मुझे बुढ़िया मत बोला कर। राम 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 राम। कितनी बास मार रहा है, अरे तू मारे मसले में कहाँ आ गया, मारा तो मसला सुलझ लेने दे बेवड़ा। आपका मसला सुलता रहेगा, पहले मेरा सुलझाओ। मैडम जी, बहुत मारती है ये मेरे को बुढ़िया। कितनी बार बोला है, फिर से टांग अड़ाता मेरे बीच में आके। माँ जी, अपने हाथों को ना जरा कंट्रोल कीजिए आप, ठीक है ना?
और अब आप वापस घर जाइए और घर जाके ना अपना काम करिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। अच्छा मैं घर पे जाऊं? मैं मेरे सेठ का माल लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझी? माँ जी माल तो अब मिलने वाला है नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? इसके पैसे लगे हुए हैं उस माल के। अरे माँ जी आप नहीं समझती कानून को। ठीक है ना, आप मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए, चुपचाप घर जाइए। और सेठ तू ना माँ जी को ना ज्यादा भड़काने की कोशिश मत कर। राम राम। ऐसे नहीं मानेगी ये, सेठ की जगह इनको भी जेल में डालो, बुढ़िया को। ये ले। ए, शराबी तू ना यहाँ से जा, निकल। ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ, वरना इसको तो मैं देख लेता, बुढ़िया। तू जाता है या मैं तुझे लात के दूँ? एक कुत्ता कमीन कहीं का। ए, पुलिस वालों के सामने गाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझ गई ना? देख बहू तुम मुझे ना ज्यादा सिखाया मत करो, ठीक है ना? और सेठ का माल वापस कर दो चुपचाप। देखिए माँ जी मैंने कितनी बार कहा है कि जो सास बहू की रिश्तेदारी है ना ये आप घर जाके निभाइएगा। यहाँ पे मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और वो भी ऑन ड्यूटी, और माल तो मैं इसका वापस दूंगी नहीं। मैडम जी कुछ ना कुछ तो करो ना। कुछ ना कुछ का क्या मतलब? तू मुझे रिश्वत देना चाहता है क्या? अरे रिश्वत की बात सेठ अपनी जबान को चुप रखो। ईमानदार पुलिस वाली हो, नाम चलता है मेरा गुलाबो, क्यों हवलदार? सही कहा मैडम जी आपने। और रामफल तुम तो चुप ही रहो, वरना तुझे पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। बस माँ जी बहुत हो गया, एक ऑन ड्यूटी हवलदार से आप इस तरीके से बात नहीं कर सकती। बहू तुम मुझे मत सिखाओ कि इससे कैसे बात करनी है, समझी? और सेठ चुपचाप यहाँ से चला जा, ठीक है ना? और तेरा माल तो बिल्कुल भी वापस नहीं होगा। बस सवालदारनी जी आपकी इतनी चलती है, मेरा तो सारा दिन खराब कर दिया ना। तुम चुप रहो सेठ, इसका माल वापस कर दो, समझी? नहीं करूंगी। करना पड़ेगा। नहीं करूंगी। करना पड़ेगा, आज तो मैं माल लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं करूंगी वापस। बोलो क्या कर लोगी? तो ठीक है तुम दोनों घर पे आना, तुम दोनों को देख लूंगी, मेरा नाम भी रसबरी है, समझे तुम दोनों? चलो सेठ। देखा ससुर जी आपने, माँ जी को कुछ पता तो है नहीं, खाम खाम में उस सेठ की पैरवी लेकर और आ गई। अब घर पे जाके शाम को झगड़ा अलग से होगा।